भोपाल में धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर वाटर कैनन से किए गए प्रहार के विरोध में युवा कांग्रेस ने उमरिया जिला मुख्यालय में प्रदेश के गृह मंत्री का पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। वहीं प्रदेश सरकार से मांग की है कि यदि भाजपा का यही बर्बरतापूर्ण रवैया रहेगा तो युवा कांग्रेस और कांग्रेस उग्र प्रदर्शन कर जवाब देगी। उमरिया जिला मुख्यालय स्थित गांधी चौक में युवा कांग्रेस ने कल प्रदर्शन के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के ऊपर भोपाल में धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा वाटर कैनन से पानी मारने के विरोध में प्रदेश के गृह मंत्री का पुतला दहन कर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मुर्दाबास के नारे लगाए। इस मामले में पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने बताया कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से शासकीय जमीन का बंदरबांट कर रही है और औद्योगिक क्षेत्र में एक रुपए में आरएसएस को दिया है, जिसके विरोध में दिग्विजय सिंह ने विरोध प्रदर्शन कर मांग किया है कि इनको निरस्त किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी से और अधिकारियों से बात करना चाहा तो उन्होंने कहा कि कोई भी उपलब्ध नहीं। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रदर्शन किया तो सरकार के इशारे पर पुलिस ने पानी की बौछार कर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की। उसी के विरोध में आज युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कर धरना दिया और प्रदेश के गृह मंत्री जी का पुतला दहन कर ये मांग किया कि यदि कांग्रेस के ऊपर इसी तरह का बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई तो युवा कांग्रेस और कांग्रेस उग्र प्रदर्शन कर मुंहतोड़ जवाब देगी। विंध्या किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तीन मामलों को लेकर के प्रदर्शन किया गया। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से शासकीय जमीन का बंदरबांट कर रही है और औद्योगिक क्षेत्र में जो जमीन एक रुपये में आरएसएस को दिया है, इसके विरोध में दिग्विजय सिंह जी ने, माननीय दिग्विजय सिंह जी ने भोपाल में प्रदर्शन करके मांग की कि इसको निरस्त किया जाए। और इसके अलावा भी उसके पहले वो मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते थे, अधिकारियों से बात करना चाहते थे, उनको कहा गया कोई भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में उन्होंने प्रदर्शन किया और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने सरकार के इशारे पर वहाँ पर पानी की बौछार करके और प्रदर्शन में जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण पुलिस ने कार्रवाई की, इसके विरोध में आज यहाँ पर युवक कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और धरना दिया और गृह मंत्री जी का पुतला दहन करके यह मांग की कि अगर इसी तरीके से कांग्रेस के नेताओं पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की तो युवक कांग्रेस इसे बर्दाश्त नहीं करेगी, उग्र से प्रदर्शन करके उनको मुंहतोड़ जवाब दिया।